हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको मैं अपने टेरेस गार्डन की और नई छवि दिखाने वाली हूँ। काफ़ी फूल खिले हुए हैं, कुछ खिलना बाकी हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मेरी ये गुलदाउदी, बहुत बड़ा बुके है ये, काफ़ी ड्रम में लगा हुआ है एक्चुअली। और ये मदर प्लांट है जिसकी इतने ढेर फूल खिले हुए हैं, और खिले हुए हो गए इनको करीब 20-22 दिन हो गए। अभी और खिलेंगे ये, समझिए 15-20 दिन तो और चल जाएंगे। ये मेरे गुलाब रोजेस सब अलग अलग तरह के, देखिए सब बहुत हेल्दी हैं और सब में बहुत फूल खिले हुए हैं। कोई भी गुलाब ऐसा है ही नहीं जिसमें फ्लावर्स ना हों। और ये सारे रोजेस मेरे बड़े पुराने हैं, नए तो इसमें कोई से भी नहीं है, इसका कलर क्लियर नहीं दिख रहा। और देखिए बर्ड्स भी बनी हुई हैं काफ़ी, है ना। देखिए पिछले वीक आपको जब ये दिखाया था तो इसके येलो कलर था ना इस वाले रोज़ का, अभी देखिए चेंज हो गया है ना, अभी और डार्क होएगा और फिर फेड भी होना शुरू होता है, इसमें दोनों ही काम होते हैं। देखिए निकल आओ भाई, ये वजन के कारण ना झुक गई है डाली, इसलिए इसको टेक लगाया हुआ है। ये देसी वाला रोज़ है वाइट जो दिख रहा है, और ये देखिए रोजेस है ना। और ये मेरा चाइनीज़ रोज़ है, मिनिएचर रोज़ भी बोलते हैं जिसको, इसकी देखिए पत्तियाँ भी बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत फूल आया हुआ है। इस पर ऐसे ही रहता है फूल, और इसकी कोई ज़्यादा लुक आफ्टर भी नहीं करना पड़ती। ये इसी में वाइट है, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा स्नो वाइट रोज़ देखिए कितने इसमें फूल है, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें फूल नहीं है, इसमें ऐसे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर, ऐसे ही रहता है इसका। कटिंग वटिंग करती हूँ तब थोड़े दिन ज़रा शांत रहती है फूल, उसके बाद फिर खूब आते हैं। ये मेरा येलो रोज़, ये देसी जो मैंने घर कटिंग लगा लगा के बनाए हुए, डेवलप किए हुए सारे। ये देखिए आपको दिखाती हूँ रोज़ की कटिंग, मैंने वाटर प्रोपोगेशन की थी, दिखाती हूँ इसकी, है ना ये रोज़। वाटर प्रोपोगेशन मुझे ज़्यादा इजी लगती है, और इस पर मुझे लगता है मेरा कंट्रोल रहता पूरा। ये सारी सकुलेंट्स की हैंगिंग बास्केट हैं जो आपको दिख रही हैं, अलग अलग तरह की सकुलेंट्स हैं। इसमें एचिवेरा है, और इसमें ये पंकी स्टील है, सेम यहाँ पर भी यही है। ये सीडम की है, और इसका मुझे नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, बाद में बताऊँगी कभी। ये देखिए ये भी अच्छी लग रही है ना, अच्छी हो गई है, डेवलप सारी है। ये तो हमारी वही है टेंगल्ड हार्ट वाइन, है ना। ये इधर बैंगन के, इसमें सब्जी वाली ही लगी हुई है, बैंगन है, टमाटर है, अदरक है। ये देखिए इसमें टमाटर लगा है छोटे से पेड़ में, इसमें इधर भी लगे हुए हैं टमाटर, बीच में सीड्स कुछ लगाए हुए हैं वो छूटे हुए हैं। ये बैंगन का पेड़ है, एक बैंगन ये हुए, और ये अदरक लगी हुई है इस साइड। इस पूरे शेल्फ में कैक्टस एंड सकुलेंट्स हैं सारे, मतलब मैक्सिमम इसमें, इसके अलावा भी जो बचे हुए हैं वो बाहर भी रखे हुए हैं, तो आपको यहीं से दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, ये सब मेरे ही प्रोपोगेट किए हुए हैं और पुराने हैं, इसमें कुछ मरते मरते ही बचे हैं वो भी हैं, लेकिन सब मेरे हाथ से ही प्रोपोगेट किए हुए हैं, और अभी देखिए सब अच्छा कर रहे हैं। इस शेल्फ में जो आर्टिफिशियल मेरा ग्रीन हाउस है, इसमें रख के इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और समर्स में ये इसी में ही बचे रहते हैं। ये देखिए सब कुछ न्यू भी लगाई हुई है इसमें, है ना। और ये मेरी गार्लिक वाइन है जो आपको पहले भी अभी से शेयर किया था वीडियो इसका। ये जेरेनियम है, और इस साइड भी कैक्टस एंड सकुलेंट्स रखे हुए हैं। ये वाला कैक्टस देखिए कितना ऊंचा जा रहा है ना, काफ़ी ऊंचा हो गया है। और ये जो पीछे जो कैक्टस रखे हुए हैं, इनमें फ्लावरिंग हो रही है, आपको दिख रहे होंगे पिंक पिंक लगे हुए, है ना। कभी पास से निकाल के दिखाऊंगी, अभी बताती हूँ मैं एक आध वीडियो में, तो आपको पास से दिखाती हूँ सारे। ये मेरे ही बनाए हुए ग्रो बैग्स हैं, जिसमें ये जो लगी हुई है हनी सकल वाइन है पर्पल कलर की, ये इसमें फूल भी आ रहे हैं। और ये तो सब दिंका लगी हुई है इसमें, ये एलो है ब्लैक वाली,
और ये है फेरी के स्टिल कैक्टस, देखिए आप कितना बढ़िया है। इसके मैंने कई सारे बना लिए, एक्चुअली 5-6 बन गए इसके। ये भी सकुलेंट्स ही हैं जो इसमें दिख रही हैं आपको। और ये जरबेटा, ये अपने पूरे उसमें हैं, देखिए एक ही गमला है ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ इस टाइम। और 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखिए 6 और ये 7वीं बर्ड आई हुई है, ऐसा भरा हुआ रहता है ये। और इसी तरह से ये दूसरा गमला, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 ठीक है, 5 ये 6 और ये नीचे बीच में बर्ड्स दिख रही हैं इधर। इस वाले में 4 पौधे हैं, मतलब 4 फूल खिले हुए हैं, है तो ये भी वही मेरा जरबेरा। और ये पीछे लगे हुए हैं डायंथस और गजानिया, ये वर्बीना लगा हुआ है पीछे, इसके फूल तो सो गए हैं क्योंकि 4 बज गया है ना। और ये इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है अब मेरे, ये कलेंचू में, इसमें अभी आया नहीं है। ये डायंथस, ये भी डायंथस, ये भी डायंथस, और ये जो मैंने लगाए हुए थे आइक्सिस और चिंची रिंची बोल रहा था उसको, इसमें सब में ग्रोथ हो गई है ना। ये पेंसिल कैक्टस और साथ में ये तो हर कहीं मैंने लगा रखे हैं, जो भी पॉट ऊंचाई पे लगे ना उनके साथ ये छोटा छोटा लगा रखा है। और ये मैंने कटिंग लगाई थी गुड़हल की, तो देखिए सब अच्छी लग गई हैं, इनको रिपोर्ट किया था इसमें, अभी एक आध महीने और चलने देंगे, उसके बाद इन्हें बड़े पॉट में डालूंगी मैं, है ना। ये हावर्थिया, ये इसमें जेड की कटिंग्स लगी हुई हैं, इसमें मदर ऑफ थाउजेंड्स ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स अचानक से ना बारिश का सा मौसम होने लग गया है, देखिए आप ऐसे क्लाउड्स हो गए। तो अभी वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ और ओवरव्यू आपको एक दो दिन बाद फिर से दिखाती हूँ, है ना। आई थिंक इतना ही दिखा पाई, आई एम सॉरी, बट इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।